नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया खोलते होंगे तो आपको एक शब्द दिखाई देता होगा, भगचुन, जिसका प्रयोग किया था लालू प्रसाद यादव ने। राजद के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव। बिहार में आने से पहले उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के बिहार प्रभारी को कहा था कि भग चरणदास जो है वो भगचुनर हैं। ऐसे में अब एक नया शब्द गूंजेगा सोशल मीडिया पर, वो है विसर्जक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये प्रयोग किया गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से। अब कल नीतीश कुमार कह रहे थे कि अगर लालू प्रसाद यादव को इतनी तकलीफ है तो गोली मरवा दें। गोली मारने मरवाने की बात की जा रही है सुशासन की सरकार में। देखिए, 2005 के बाद जब बिहार में स्थिति बदली, सरकार बदली और सरकार के तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया, तो पहला शब्द अगर आप याद करेंगे तो उन्होंने कहा था कि हमारा कमिटमेंट है सुशासन, 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 डेवलपमेंट, 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 और उसी के क्रम में उन्होंने पिछले 16 साल से कार्य किया है। अब जो सामने वाले पक्ष हैं, महान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तो उनके शब्दकोश अक्सर ऐसे ही रहते हैं। कभी वो भगचुनर कहेंगे किसी को, कभी छुटवैया कहेंगे, कभी किसी का विसर्जन करेंगे। तो उसी क्रम में हमने याद दिलाया कि आपकी मनोवृत्ति क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके कार्यकाल में आप किस तरह के कृत्य क्या करते थे, और गोली मरवाना और हत्या होना, अपहरण होना, ये तो एक सामान्य घटना थी 2005 से पहले। तो उसी क्रम में ये बातें आई, लेकिन ये इतना तय है कि आज अगर इस सरकार की बात की जाए तो आप ये देखेंगे कि कोई भी घटना अगर होती है, घटना ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रदेश में आप जाएंगे वहाँ पे जीरो क्राइम रेट होगा, सवाल ही नहीं उठता है। घटनाएं होती है, लेकिन घटना के बाद अगर उस घटना करने वाले व्यक्ति की पहुँच कितनी भी ऊपर हो, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी पोजिशन पर हो, वो सलाखों के पीछे ही पहुँचता है। इसी को कहते हैं कानून का राज, इसी को कहते हैं न्याय के साथ विकास। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी जो हैं लगभग नीतीश कुमार को ख़त्म कर चुके हैं, हम आए हैं तो विसर्जन कर देंगे। इतना आसान है क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विसर्जन करना? लालू प्रसाद यादव जी को याद होना चाहिए कि 2005 के फरवरी में भी उनको 75 विधायक मिले थे और 2020 में भी वो 75 पे हैं। उस समय भी विपक्ष में थे और 16 साल बाद भी देखेंगे तो विपक्ष में ही हैं। तो उनको पता है कि उनके नसीब में विपक्ष के नेता के रूप में ही ज़िंदगी काटना है। आप 75 लाइए, 80 लाइए, लेकिन मुख्य रूप से मामला क्या है कि प्रदेश के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी। अगर बिहार प्रदेश के एक एक व्यक्ति सुख चैन से अगर ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो कारण रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यकाल। इसके अलावा लालू जी की जनता जिस प्रकार से 5, 10, 15, 20 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पे आशीर्वाद देते आए हैं, आगे भी देते आएंगे, क्योंकि सबने पहचान लिया है कि लालू जी ने जिस तरह से चारा घोटाला किया था, उनके पुत्र घोटाले बॉय तेजस्वी यादव जी उसे लारा के रूप में आगे बढ़ाए। तो इनकी सोच क्या है, संपत्ति लिखाओ, टिकट दो और सिर्फ अपने संपत्ति बनाने के लिए ये राजनीति में आए। लालू प्रसाद यादव आज दौरा करने निकल गए हैं, तेजस्वी यादव साथ में हैं, जगदानंद सिंह साथ में है, तीनों आदमी आज एक स्टेज पे होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या लगता है वोट जो है अपने पाले में उतार पाएंगे? देखिए, हमारा मानना है कि लालू जी जैसे ही अपनी बात को शुरू करेंगे या उनके चेहरे को जब वहाँ के लोग, वहाँ की जनता देखेगी, तो सबसे पहले याद आएगा जंगल राज, याद आएगा वो दौर जब बिजली कभी कभी आया करती थी, याद आएगा वो दौर जब अस्पताल में कुत्ते बोला करते थे, याद आएगा वो दौर जो अपहरण उद्योग हुआ करता था, याद आएगा वो दौर ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना अस्पताल था, ना स्कूल था, और कुल मिलाकर के इनका एक शासन था जिस शासन को हम लोग कुशासन कहते हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ जब सामने आएंगे तो वोटर्स क्या करेंगे? वोटर्स को और समझ में आएगा कि अगर चैन से, अगर बिहार में अच्छी ज़िंदगी अगर जीना है, सारे विभाग में अगर काम होने हैं, तो वो करने वाला अगर कोई है तो NDA के मुखिया नीतीश कुमार जी। आखिरी सवाल ले लेंगे, कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो एक अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार आएंगे यहाँ पर तो पूछेंगे कि क्या विकास हुआ है, तो आप लोग कहिएगा।
कि ब्लॉक जो है लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, सड़क जो है लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, स्कूल जो है लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, और आपने क्या किया है? इस क्रम में वो एक चीज़ भूल गए, बार घोटाला लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में हुआ था। देश के सबसे बड़े चर्चित घोटाले के रूप में चारा घोटाला उनके राज में हुआ था। अपहरण को उद्योग के तौर पे लालू जी के दौर में ही स्थापित किया गया था। क्राइम कर जाना और मुख्यमंत्री आवास में बैठ कर के मंडवली कर लेना, उनके ही दौर का ये सब स्वैग था। तो बहुत से चीज़ हैं, और मेरे कहने और तेजस्वी के कहने या लालू जी के कहने से कुछ नहीं होता। जब जनता 2005 के बाद से नीतीश जी के कार्यों को मानते हुए उन्हें आशीर्वाद देते आई है, सर्टिफिकेट हमें जनता से चाहिए। जनता खुश, उसके बाद तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।